प्रदोष व्रत में शाम को क्यों होती है भोलेनाथ की पूजा? प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम के समय ही की जाती है और इसके पीछे बहुत ही खास वजह छिपी हुई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हर माह की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान शिव प्रदोष काल यानी शाम के समय कैलाश पर अपने रजत भवन में होते हैं। इस दौरान वह प्रसन्न होकर नृत्य करते हैं और यह उनके प्रसन्न होने का समय होता है। मान्यता है कि जब भगवान शिव प्रसन्न हो उस समय यदि उनका पूजन किया जाए तो वह अपने भक्तों को निराश नहीं करते और उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। इसलिए प्रदोष व्रत में शाम के समय प्रदोष काल में पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। कब होता है प्रदोष काल? प्रदोष काल में पूजा का मुहूर्त पंचांग के अनुसार बदलता रहता है। ऐसे में पूजा के लिए शुभ मुहूर्त अवश्य देखें। वैसे बता दें कि सूर्यास्त के बाद और रात्रि के शुरू होने से पहले का समय प्रदोष काल माना जाता है। इसी समय भोलेनाथ प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं।